शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। शमनी से शादी करने की सोचना भी मत, वरना वो फिर से विधवा हो जाएगी। रोहन, क्योंकि ये मिलन तो इस जन्म में हम होने नहीं देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है, जय माता रानी की। भूत, 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 शमनी, 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 क्या हुआ बेटा? शमनी, माँ, शमनी, शमनी, शिबु क्या हुआ तुझे? शमनी, 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 अंदर, अंदर, शमनी, अंदर, अंदर, फिर से, अंदर, अंदर क्या? शमनी, शिवांश, शमनी, 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 बहुत डर लग रहा है फिर से। वही हम फिर से स्वीटी, स्वीटी जो पानी लेकर आओ जल्दी। हम अभी लाते हैं। शिबू ऐसे क्यों घबराए हो, जैसे कोई भूत देखा है। भूत है? भूत, ये गले पे कैसा निशान है? अम्मा देखो ना, ये शिबू के गले पे कैसा निशान है? ये क्या है? शिवांश, आप ऊपर बैठिए, आइए आइए आइए, आराम से आजा, आराम से आजा, आप बैठिए, संभाल संभाल के, संभाल 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 के। दुल्हन, आखिर क्या हुआ शिबू को? अम्मा अम्मा, वो बात ऐसे कि काफी समय से शिवांश को रोन दिख रहा है। शिवांश तब से बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, उन्हें हर जगह रोहन दिखाई दे रहा है। हम हल्दी की रस्म करने आए थे उससे पहले भी, और याद है जिस दिन रोहन की बरसी थी उस दिन भी रोहन दिखाई दिया था शिवांश को, और शिवांश ने हम सबसे कहा भी था। हम, याद आया? शिबू उस दिन चिल्लाया भी था, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं किए थे। और अभी भी बाथरूम में भी शिवांश को, शिवांश कह रहे थे कि शावर में से खून का पानी आ रहा है। जब हम गए देखने तो फिर कुछ नहीं था, उससे उनको ही दिखाई दे रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। वो तो हल्दी की रस्म थे और आप सब इतने खुश थे तो हमने इनसे कह दिया कि किसी से भी इस बारे में जिक्र ना करें। हे भगवान, रोहन तो मरने के बाद भी दीदी का पीछा नहीं छोड़ रहा है, उनको बहुत डर लग रहा है, ये सब क्या हो रहा है? हमें ये भूत प्रेत इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। तो फिर काशीवान झूठ बोल रहा है? नहीं ताई जी, हमारा कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शिवांश के मन का वहम हो। कैसे वहम हो सकता है श्रवणी, शिवांश ने खुद थोड़ी ना अपने गर्दन पर निशान बना लिया है, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खोरियाया हुआ भूत ना चिपट लेता है और फिर छोड़ता नहीं है पीछा। दुलार, बड़की ठकुराइन सही कह रही है, प्रेतात्मा भटकती रहती है, इतनी आसानी से पीछा छोड़ती नहीं है। वसुधा, तू एक काम कर, देवी मैया की यहाँ काला धागा है ना, वो लेके आ और शिबू के हाथ में बांध दे। जी अम्मा। शिवांश, आप शांत हो जाइए, पानी चाहिए और आपको। ला शिबू, हाथ दे।
देवी मैया हमेशा शिव को बुरी नजर से बचाइएगा। ठीक है माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन माँ हमें लगता है कि शिवांश को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और हमने अपने कॉलेज में जाने माने साइकोथेरेपिस्ट से बात भी की है। किससे बात की है? पागलों के डॉक्टर से। पागलों के डॉक्टर से कह रही है। क्या पागल के डॉक्टर? मतलब हमारे शिबू के पागल हो गया है? नहीं अम्मा जी नहीं, हम वो नहीं कह रहे, ये सब पुराने जमाने की सोच है। साइकोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो हमारे मन की परेशानियों का इलाज करते हैं। मन का इलाज कैसे होता है? अरे बुखार आया तो दवाई घटक लो। वैसे ही अम्मा, जैसे जैसे काला धागा बांधकर आप भूत प्रेत को दूर करना चाहती थी, वैसे ही अम्मा कभी कभी कुछ चीजें हम अपने मन को समझाने के लिए भी करते हैं। नहीं नहीं, हमें भी लगता है शिबू पे भूत प्रेत का साया है। माँ? हाँ माँ, माँ एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। दिखाने में क्या हर्ज है, एक बार दिखा लेते हैं। चलिए शिवांश तैयार होके आ जाइए, फिर चलते हैं। हाँ। हे माता रानी, हमारे शिबू को ठीक कर दो। अम्मा, हम डॉक्टर से मिलकर आते हैं। पागलों के डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? अम्मा, एक बार दिखाने में क्या हर्ज है, दिखा लेते हैं ना। चलो। वो हम सोच रहे थे कि लौटते समय शिव जी के मंदिर में भी माथा टेकते हुए आएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कही तुमने। भोलेनाथ भूत प्रेत के स्वामी हैं, वही सब ठीक करेंगे। जी अम्मा। अच्छा हम चलते हैं। चलिए शिवांश। जा बेटा, ध्यान से जाना। हम बता रहे हैं अम्मा जी, ऐसे में डॉक्टर फाक्टर किसी काम का नहीं है। झाड़ फूक वाले को बुलाना चाहिए, हमें लगता है वही ठीक कर सकता है शिब्बू को। आप इसे ध्यान से देखिए। हेलुसिनेशन, ये सिर्फ एक भ्रम है शिवांश। डॉक्टर साहब, हमारी बात का यकीन कीजिए, ये कोई हमारा भ्रम नहीं है, हमने उसे अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। इसीलिए तो भ्रम कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वास्तविक लगता है। देखो इसे, कॉन्सेंट्रेट करो। रोन, शिवांश, शिवांश कोई नहीं है वहाँ। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।